गुरुजी, हर एक शास्त्रीय शैली का अपना एक व्याकरण होता है और उसे हमें पालन करना पड़ता है। उस शैली को जब सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम हर तरीके से उसका पालन करते हैं हम। तो मणिपुरी की जो शैली है, उसमें अगर हम हस्त मुद्रा को पहले लें, तो इसका क्या एक ग्रामर क्या है? ये स्वाभाविक है, कोई भी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए उसके लिए एक प्रकार से अंग संचालन की एक भाषा है। हाँ, जब आपने कहा हस्त मुद्राओं के बारे में, मणिपुर की विशेषता यह है कि कभी भी आपको कोई भी पोस्चर खड़े होके या रोक के बहुत कम दिखेगा। एक निरंतर चलता रहता है, एक जुड़ता है। लेकिन गुरुजी, जब हम कोई कहानी बताते हैं या कोई संदर्भ अभिनय द्वारा बताते हैं, तो हस्त मुद्राएं मदद करती हैं? अवश्य ही, मुद्रा तो चाहिए ही। जैसे बांसुरी दिखाने के लिए अधिकतर नृत्य शैलियों में भारतीय में इस प्रकार से होता है, परंतु मणिपुरी में नहीं होता, ऐसे ही बताते हैं। इस प्रकार बहुत सारे भिन्नता हमें मिलेगी, परंतु स्पष्ट होता अवश्य है। जिस नृत्य में जिस कथा वस्तु को लेकर काम करते हैं, उसके अनुसार किसी न किसी रूप में वो स्पष्ट होता है। अब हम पग संचालन पे आते हैं। इसका जो एक ग्रामर है, एक जो एक परिभाषा आपने जो बताया, अब अगर एक छोटा सा बच्चा आपके पास आए और कहें कि मणिपुरी सीखना चाहता है, तो उसको आप पग संचालन भी ऐसे देख कर ही सिखाते हैं या अलग अलग यूनिट्स बनाकर सिखाते हैं? जब मैं मृदंग सीखने गया था गुरुजी के पास, ये नहीं बताया कि इसमें तांग है, तत है, लेफ है, रा, कुछ नहीं बोला। मुझे एक मृदंग दिया, पुंग दिया, वो बैठ के एक पुंग लेके, बेटा जैसे मैं बजाता हूँ वैसे बजाओ। बजाते गए एक दिन दो दिन, बाद में अपने आप एब्जर्व करने लग जाए तब बाद में बताते हैं। नृत्य शिक्षा में भी लगभग वही है। बच्चे, मैं जो बता रहा था पाद संचालन, अंग संचालन आदि, इसको बताने के लिए मैं समझा दूंगा अभी कि कठोरता को हटाने के लिए किस तरह पांव चलाते हैं, ताल भी रखते हैं। जैसे एकदम से कहीं लग गया, वहां रुक गया, तो एक निश्चित रूप से कहीं विलंब हो गया, उसे कठोर हो जाता है। उसको हटाने के लिए जैसे मैं नीचे पांव लेता हूं तो उठ जाता हूं उल्टे तरफ से, और उस तरफ से भी यही होता है। उसको दोहराते हैं तो क्या होगा, आप बजाना शुरू करिए, धिन ते तात धे घिन धे तात धे घिन धे धीन। आपको ताल तो आसानी है, बहुत सरलता से समझ गए होंगे। मैं क्या करूंगा इसमें, तीन दो, आपने देख लिया ना, जैसे पांव नीचे जाए तो मैं उठ जाता हूं, इसका उल्टा क्या होगा, ऐसे होगा सीधा सीधा, जहां की निश्चित रूप से कहीं रुक जाता है, कठोर हो जाता है। इसको नरम बनाने के लिए इस प्रकार चलाते हैं। इसमें और भी संचालन ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ला सकते हैं इसमें, लेकिन अंग संचालन नीचे का ऊपर का जो झुलता है वो निरंतर चलता रहेगा इस प्रकार। और भी चला सकते हैं इसके साथ, क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको, देख लीजिए इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, फिर भी मेरा ऊपर नीचे जाने का जो है वो होता रहेगा, ताकि ये लावण्यमय रहे इसका। उसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है, पीछे लगाइए, सामने लगाइए, हर प्रकार से पांव चलाते हुए वही विधि रहेगी। चाहे मैं गोल गोल ले लूं, यही विधि हस्त संचालन में भी, अंग संचालन में भी, कहीं कुछ जाता है तो उसके दूसरी तरफ कुछ न कुछ उसको पूर्ति करने के लिए जाता है, ताकि संचालन में कठोरता न रहे। जैसे हस्त संचालन में आपने मणिपुरी में देखा भी होगा, ये चलता है, ये तो निश्चित रूप से कहीं जा रहा है। इसको डिफ्यूज करने के लिए, अर्थात इसके संचालन को, जो चलन है
उसको कंपेंसेट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इस प्रकार, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा उल्टे तरफ, ये इस तरफ से जाएगा तो एक तरफ से दूसरे जाएगा। ये तो हो गया ऊपर नीचे का, जो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वर्टिकल, ऊपर नीचे जाते हैं। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। सिर है, शरीर है, अंग के कई भाग हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ उसको भी हम पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, सिर यहाँ जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ से जाएगा तो यहाँ से, इस तरह एक निरंतरता, जो कि कहीं शुरू हुआ कहीं रुका ऐसा नहीं है, कुछ लगता है कि एक से एक जोड़ते चले जा रहे हैं। एक जहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ शुरू हुआ ये पता ही नहीं, इसका पता नहीं चलना चाहिए। देखो ये कितना सुंदर है, इनकी जो पूरी वेशभूषा है किस प्रकार चमक रही है देखो। चारू जी, ये जो चीज चमक धमक रही है ये किससे बनी है? ये सफेद कपड़ा है और इसमें सिल्वर धारियां पड़ रही हैं, तो आप स्टेज पे जब देखेंगे दूर से तो खूब चमकती हैं ये, और इसको पोशवान कहते हैं। यह पोशाक पहनकर नृत्य करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो बहुत होती है और टाइम भी लगता है बहुत पहनने में, लेकिन क्या करें, जब रासलीला करनी है तो पहननी है, और सब कहते हैं कि बहुत सुंदर लगती है दूर से। और जब पहनते हैं तो पहन के बांधते हैं या फिर आप कैसे इसको पहनते कैसे हैं? देखिए नीचे का जो है ये एक लंबी सी चीज़ है जिसको दोनों तरफ से पकड़ कर और बांध देते हैं, पहले से बांध, पहले से बांध कर रखते हैं, और इस ऊपर पोशवान को भी, वो नीचे को उसको कुमिन कहते हैं, और ये जो पोशवान है इसको ऊपर उसके ऊपर लगा के तैयार रखते हैं। अच्छा। और फिर इसके अंदर हम या तो सिर पे से डाल देते हैं या इसके ऊपर चढ़ के अंदर घुस जाते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से बांध लेते हैं। परंपरागत रासलीला में तो जो पहनाने वाले आते हैं, जिनका व्यवसाय वही है, वास्तव में सुई धागा लेके लड़की को ऊपर सीते हैं। ये जो आपने नीचे पहन रखा है ये किस चीज से बना है? ये सैटन पर खूब अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, और उसके नीचे कपड़ों के बहुत से कलफ लगे हुए लेयर्स हैं, तो उन सब के ऊपर फिर ये अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड जो चीज़ है वो चिपकाई हुई है। अभी तो आपने राधा जी का पात्र निभाया था, पर जब आप दूसरे पात्र निभाती है तो क्या आपकी वेशभूषा या आपका ड्रेस बदल जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो मैं पहन रही हूँ ये राधा जी की वेशभूषा है, इसमें हरे रंग का ये है नीचे जो कुमिन पहन रही हूँ। गोपियाँ जो पहनती हैं वो लाल रंग का कुमिन पहनती हैं, और सब एक सा ही होता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ वो लाल रंग का होता है, और कृष्ण जी का तो बहुत ही सुंदर और एलैबोरेट है, उसमें ये खौन दोनों साइड में होते हैं, और एक ये जो बेल्ट है आगे होती है, पीले रंग का पीताम्बर तो होता ही है, और हमारा जो ऊपर का चूड़ा है कृष्ण का चूड़ा वो बहुत विशेष होता है मणिपुर का। चारू जी, मणिपुरी नृत्य में घुंघरू नहीं पहने जाते? हाँ, हमारे नृत्य में घुंघरू नहीं पहने जाते, लेकिन मैं नूपुर पहने हैं, देखिए आप, ये पहन के हम नृत्य करते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि जो लावण्य सुंदर लिरिकल मूवमेंट्स जो होती हैं उनके लिए ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये आवाज नहीं, आवाज बिना इसकी, ये तो एक खास फर्क हो गया बाकी शैलियों से, नहीं? और आप चेहरे पर जो तिलक लगाते हैं उसका कोई खास क्या अर्थ है? हाँ, ये वैष्णव तिलक है, रासलीला में तो वैष्णव तिलक जरूरी लगाते हैं, देखिए आप गुरु जी ने भी लगाया हुआ है। आप लोगों ने बहुत कुछ पूछा इस आभूषण के बारे में, वेशभूषा के बारे में, और ये आरंभ कैसे हुआ वो भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। राजर्षि भाग्यचंद्र जिन्होंने रासलीला का सर्वप्रथम निर्माण किया था, उनके स्वप्न में ये सब दिखा था, कृष्ण के आभूषण, राधा जी के आभूषण,
पोशाक सब दिखा था इन्होंने, तो वास्तव में स्वप्न रूपी है ये सब। जैसे महाकवि रविंद्रनाथ गुरुदेव सुते, इनको भी लगा ये तो स्वप्न जैसा ही है, तो इसलिए इन्होंने भी नृत्य को देखा, आभूषण को देखा, इन्होंने भी शांति निकेतन में ये इसको अपनाया, प्रयोग किया। इसी प्रकार कई जगह मणिपुरी का प्रचार प्रसार भी हुआ। गुरुजी, क्या ये परंपरा है कि पुंग में सिर्फ पुरुष शामिल होते हैं और जगोई स्त्रियां करती हैं? हाँ, इसमें स्पष्ट करना आवश्यक लग रहा है मुझे भी, चोलोम जो है चाहे पुंग का हो कर्ता का हो, परंपरागत रूप में पुरुष ही करते आ रहे हैं और तांडव के होते हैं ये। चोलोम में अंग संचालन भी फरक है, पाद संचालन और जैसे शरीर को रखते हैं वो भी फर्क है। खड़े हो जाएंगे, पुंग लेके खड़े हो जाए, आपको बता देते हैं कैसे करते हैं पुंग को लेके। खड़े होने का ढंग भी फर्क है, जगोई में देखा होगा पांव अलग अलग नहीं रखते, साथ साथ ही रखते हैं। खड़े होने का लड़कियों का भी इस तरह, घुटने को भी अलग नहीं करते, पांव को भी ज्यादा दूर नहीं रखते। लड़कों के नृत्य में भी इस तरह के फैलाने का पाव होगा ही नहीं। इसके अंदर बजाएंगे भी चलेंगे भी तो इस प्रकार से यूं झुकते हुए ही चलते हैं, पाँव उठाकर भी ऐसे भी चलते हैं और चरण भी करते हैं ऐसे ही, ये वापस भी लेते हैं ऐसे ही लेते हैं। इसमें भी आपने वही विधि देखे होंगे कि झुकते हैं तो इसको थोड़ा सा जो भी कॉम्पेंसेट करते हैं ताकि ये ऐसे नहीं है। आपने देखा इसमें काफी स्फूर्तिपूर्ण नृत्य है, काफी ताकत लगती है, लेकिन वो मार के पिट के जोर से नहीं दिखाते, इसलिए इसमें भी घुंघरू का काम नहीं आएगा। घुंघरू का क्या उद्देश्य है? आवाज निकालना, इसके लिए आघात देना पड़ता है। इसमें आपने देखा, फिर से दिखा देते हैं चलते हुए, इसमें इतने ताकत लगाकर चल रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, इस तरह से भी चल रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा कॉम्पेंसेट करते हैं। ये ही नहीं, सामने जाने का, जैसे सामने जाइए हाँ और भाग कर जाइए, ये इसमें भी आघात देकर नहीं। जब भी संकीर्तन में जाएंगी तो दो कलाकार होते ही हैं, ये पुंग बजाने वाले, राइट हैंड साइड वाला जो है वो लीड करता है, लेफ्ट हैंड वाला फॉलो करता है। गुरुजी जो चलें हम पुंग चोलम देखें, बच्चे आप भी देखिए पुंग चोलम। Thank you.
गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए इतना समय निकाल के हमको मणिपुरी के बारे में, इस शैली के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में, इसकी पूरी परंपरा के बारे में आपने इतने विस्तार से हमको समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता हूँ बच्चे, आप लोगों ने सुना देखा एक एक नृत्य शैली कितनी विशाल है और कितने युगों से चले आ रहा है, इसलिए मैं ये समझूंगा कि आगे जब भी मणिपुरी नृत्य देखेंगी आप लोग तो ये समझ पाएंगे कि इसमें सूक्ष्मता कितनी है, इसमें लावण्यता कितनी है, और कम से कम इतना तो समझ आएगा कि ये मणिपुरी है और ये भरतनाट्यम नहीं, कोई कथक नहीं, कोई और चीज़ नहीं है, इतना तो समझ आएगा। और आगे समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा समझ आ जाएगा। बस इस परंपरा को आप कायम रखिए, गौरव होना चाहिए अपनी नृत्य कला के लिए।